बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं? रौफ अज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्ता फ़वक्ता मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हम मान के कोरोना वायरस के हवाले से वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 215 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अभी 215 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 126,719 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर माशाल्लाह से मजीद रिकवरी भी आई, आप लोग देख सकते हैं 118,505 पर्सन की जो ओमान के अंदर रिकवरी होगी। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 3 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और ये 3 मजीद डेथ ला के आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 1,475 पर्सन की जो है डेथ होगी। आप लोग देख सकते हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है हकीकतन अभी भी ओमान के अंदर बढ़ रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत है हर सिटीजन के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, वो यही है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें, तो को बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग से 100% इज्तनाब रखें। गैदरिंग जीरो होगी तो ये जो केसेज है ओमान के अंदर वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस ये कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रौफ अज़ल अज़ीम को दीजिए इजाजत, हूँ की दरखास्त आप लोग से बहुत ज्यादा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।